दोस्तों, आज का ये किस्सा मेरे नैना सावन भादो के गाने से जुड़ा हुआ है। राजेश खन्ना और किशोर कुमार दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे की बहुत सी बातें मानते थे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 1976 में राजेश खन्ना जी की एक फिल्म आई महबूबा। ये फिल्म उस दौर की हिट फिल्मों में शुमार होती है। इस फिल्म का सुपरहिट गाना मेरे नैना सावन भादो को किशोर कुमार ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद आपको ना मालूम हो। दोस्तों, पंचम दा ये गाना किशोर दा से ही गवाना चाहते थे। चूंकि ये गाना शिवरंजनी राग पर आधारित था और किशोर दा एक अनट्रेंड सिंगर थे, इसलिए किशोर दा ने खुद ही बोला कि इसे रफी साहब से गवा लो। ये गाना मोहम्मद रफी साहब गाने वाले भी थे, लेकिन राजेश खन्ना जी ने जिद पकड़ ली कि मेरा ये गाना सिर्फ किशोर दा ही गाएंगे। दोस्तों, पंचम दा भी यही चाहते थे कि ये गाना किशोर दा ही गाएं। तो राजेश खन्ना किशोर दा के पास गए और उन्हें मनाने लगे। किशोर दा मान तो गए, लेकिन जब किशोर दा को ये पता लगा कि इस गाने का फीमेल वर्जन लता मंगेशकर जी गा रही हैं, तब किशोर दा ने राजेश खन्ना और पंचम दा के सामने ये शर्त रख दी कि पहले मुझे लता मंगेशकर के गाने की रिकॉर्डिंग लाकर दो, मैं उसे सुनूंगा, सीखूंगा, तब गाऊंगा। पंचम दा और राजेश खन्ना के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उन्होंने किशोर दा को लता जी के वर्जन की रिकॉर्डिंग लाकर दी। किशोर दा ने एक महीने तक लता जी के गाने को सुनकर प्रैक्टिस किया, फिर अपने गाने की रिकॉर्डिंग करवाई। इसमें राजेश खन्ना जी ने भी किशोर दा का बहुत साथ दिया और एक महीने तक अपने प्रोड्यूसर को मनाए रखा। किशोर दा ने मेरे नैना सावन भादो गाना इतनी शिद्दत और फील के साथ गाया कि आज भी हमारे दिलों में ये गाना सिर्फ किशोर दा की आवाज में ही गूंजता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि लता जी ने इस गाने को अच्छा नहीं गाया है, लता जी की गायकी तो लाजवाब थी, लेकिन किशोर दा इतनी बुलंद आवाज के मालिक थे कि भले ही वो अनट्रेंड सिंगर थे, लेकिन उनकी आवाज सब पर भारी पड़ती थी। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। दोस्तों, अगर आपको फिल्मी किस्से कहानियों में आनंद आता है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।